लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। राष्ट्रवादी कांग्रेस ने नई मुंबई के स्थानीय नेता और प्रदेश महासचिव मल्लिकार्जुन पुजारी को बिना सूचना ही पार्टी से निकाल दिया है। इससे नाराज मल्लिकार्जुन पुजारी ने आज मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एनसीपी नेता जितेंद्र आहवाल और नई मुंबई के जिलाध्यक्ष अशोक गावड़े के खिलाफ जमकर हमला बोला। मल्लिकार्जुन पुजारी ने कहा कि उन्हें सिर्फ इसलिए पार्टी से निकाला गया क्योंकि उन्होंने एक महिला की मदद करते हुए भूषण कुमार के खिलाफ FIR दर्ज करवाया था, जबकि पार्टी नेता ऐसा नहीं चाहते थे। देखिए रिपोर्ट। यौन उत्पीड़न की शिकार एक महिला की मदद करने से नाराज एनसीपी नेताओं ने प्रदेश सचिव मल्लिकार्जुन पुजारी को पार्टी से बर्खास्त कर दिया है। इससे नाराज मल्लिकार्जुन पुजारी ने आज मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एनसीपी नेता जितेंद्र आहवाल और नई मुंबई के जिलाध्यक्ष अशोक गावड़े के खिलाफ जमकर हमला बोला। पुजारी ने बताया कि जब से उन्होंने यौन उत्पीड़न की शिकार एक महिला को मदद करते हुए टी सीरीज के डायरेक्टर भूषण कुमार के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है, तभी से उनकी पार्टी के नेता नाराज थे और लगातार शिकायत वापस लेने और केस से पीछे हटने का दबाव बना रहे थे, लेकिन जब वे नहीं माने तो उन्होंने बिना पूर्व सूचना पार्टी से निकाले जाने की घोषणा कर दी। मल्लिकार्जुन पुजारी ने कहा कि जितेंद्र आहवाल के कहने पर यह घोषणा जिलाध्यक्ष अशोक गावड़े ने की है क्योंकि ये लोग भूषण कुमार को बचाना चाहते हैं। उन्होंने पैसे मांगने के मामले में दर्ज केस को भी झूठा और साजिश बताया। मल्लिकार्जुन पुजारी ने कहा कि जब तक प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटिल से पत्र नहीं आता तब तक वे एनसीपी के पदाधिकारी के तौर पर अपने भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। आइए सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। पीड़िता मेरे पास न्याय मांगने के लिए आई थी तो उसके सपोर्ट में मैंने मैदान में उतरा हूँ, तो मुझे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने अपने पद से हटा के मेरे ऊपर गुनाह दाखिल करके मुझे मेरा आवाज़ दबाने की जो कोशिश की तो उसके लिए मैं आज यहाँ पत्रकार परिषद लेके उस लड़की को न्याय दिलाने के लिए और भूषण कुमार को अरेस्ट करवाने के लिए पूरे महाराष्ट्र की जनता मुझे सपोर्ट करे। भूषण कुमार टी सीरीज कंपनी के मालिक और स्वर्गवासी गुलशन कुमार के पुत्र हैं। जितेंद्र आहवाल ने मुझे फ़ोन करके ये बोला कि तुम इस मैटर से साइड हो जाओ और सामने वाला तुमको मालूम नहीं गुलशन कुमार का लड़का है और भूषण कुमार है। मुझे तो अचानक फ़ोन आया और उन्होंने बोला तुम इसमें से हट जाओ, वो शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल के पास गया इतना उन्होंने बोला, बाकी उनका और भूषण कुमार फैमिली से क्या है रिलेशन मुझे तो नहीं मालूम। सिल्वर ओक में फ़ोन किया, सुप्रिया ताई को व्हाट्सअप कॉल किया, जयंत पटेल जी को कॉल किया मैंने सबको, क्योंकि इनके तरफ से दबाव आ रहा था तो मैं वहाँ कॉल करके मैं थोड़ा रोका था भाई पार्टी का क्या सजेशन है, तो नहीं हुआ, मुझे किसी ने नहीं मदद किया। और मुझे और कॉल भी आया, अभी भी टाइम गया नहीं है, आप मिलो साहब को मिलो, वो आपका केस रिटर्न लेगा, लड़की का केस आप लोग रिटर्न लो। हमारी मांग यही है कि भूषण कुमार को अरेस्ट होना चाहिए और उस लड़की को न्याय दिलाने में मदद होनी चाहिए जनता की। जल्द से जल्द महाविकास आघाड़ी सरकार ने अरेस्ट करना चाहिए, अन्यथा हम रास्ते पर उतर के राष्ट्रीय स्वाभिमान संगठन के माध्यम से तीव्र आंदोलन करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।